नेपाल एक बहुत ही जल्द हिंदू राष्ट्र बन सकता है। मैसिव प्रोटेस्ट इन नेपाल, वी आर टॉकिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे मार्च थ्रू द कैपिटल काठमांडू, क्लैश्ड विद रायट कॉप्स। आज पूरे नेपाल के अंदर पूरे मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ चुके हैं। ये प्रोटेस्ट पिछले 5-6 महीनों से लगातार चलते आ रहे हैं और जनता की सिर्फ एक ही मांग है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दो। हमरो मुख्य एजेंडा बनेको नै हिंदू राज्य कायम गर्नु पर्यो। हम सेकुलर नहीं है, सेकुलर बनकर के जीना भी नहीं चाहता हूँ, मैं कट्टर हिंदू बनकर के जीना चाहता हूँ। वो नेपाल के अंदर एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। इफ वी कांट रिस्टोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की इन दिस कंट्री, देयर इज नो फ्यूचर फॉर द यूथ्स इन दिस कंट्री एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्री इटसेल्फ कुड बी इन एट। लेकिन जरा एक मिनट, आज से 16 साल पहले इसी नेपाली जनता ने राजा का ही तख्ता पलट किया था और नेपाल को हिंदू राष्ट्र की जगह एक सेकुलर स्टेट बनाया था। नेपाल में शुरुआत हुई मोनार्की के साथ, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर डेमोक्रेसी आई थी। आज नेपाल के अंदर कट्टर कम्युनिस्ट राज है। डेमोक्रेसी होने के बाद भी वहाँ की जनता का ये सब कहना है, इससे बेहतर तो हमारी स्थिति मोनार्की में थी। इन प्रोटेस्ट का टाइमिंग भी आप सब लोगों को वियर्ड नहीं लग रहा? मतलब ये उसी वक्त क्यों हो रहे हैं जब इंडिया के अंदर चुनाव हो रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने तो नेपाल को एक लेटर लिखा और यह कहते हुए कहा कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाओ। है ये तो हो गया देश का, तो वो तो कर ही लेंगे। श्रीलंका है, नेपाल है, वहाँ भी तो पार्टी के लेके जाना, वहाँ भी जीतना है। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर नेपाल के इतिहास को देखोगे, वहाँ पर जितनी भी सरकारें आई वहाँ पर इंडिया की सरकार का बहुत बड़ा रोल था। अब इस प्रोटेस्ट के बाद 2006 में पूरे नेपाल में राजा के खिलाफ भयंकर ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले। उन सब लोगों की यही डिमांड थी, मोनार्की को हटाओ और नेपाल में डेमोक्रेसी लाओ। नेपाल की एक बार फिर से प्रोटेस्ट की पिक्चर में एंट्री होती है इंडिया की। भारत ने फिर से राजा, माओनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी को तीनों को एक ही टेबल पर बिठाया और उनसे कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट 2006 साइन करवाया था। सीपीए के अकॉर्डिंग मोनार्की में तीनों चीजें खत्म हो चुकी थी, कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी स्थापित कर दी गई थी और नेपाल के लिए फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जिसमें नेपाल को एक सेकुलर देश बनाया गया था। उसके बाद जो भी इलेक्शन किए गए थे या हुए थे उसमें फॉर द रीजन नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सरकार बनाई थी। जब से वहाँ पर डेमोक्रेसी आई वहाँ पर 10 बार सरकार बदल चुकी थी, एक भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। वहाँ पर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आज तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन लगातार 7 बार चेंज हो चुका है। नेपाल की इकोनॉमिक लगातार डूब रही है। नेपाल में इन्फ्लुएंस रेट 2% से बढ़कर 7.7% हो चुकी है, मतलब वहाँ पर इन्फ्लुएंसर 4 गुना तेजी से बढ़ चुका है। आज नेपाल के अंदर 4.6 मिलियन लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। डेमोक्रेसी में वहाँ पर करप्शन और इन्फ्लुएंसर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इसी बीच मीडिया आउटलेटर में कुछ लोग यह बता रहे हैं कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र नेपाल में बनाना चाहती है, जो कि सही नहीं है, टोटली फेक है। आप सब लोगों को क्या लगता है नेपाल में किस वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। जय हिंद।